जहां बीजेपी 400 पार के नारे लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ रोड शो हो या रैली हो, वहां जनता ही नहीं दिखाई दे रही है। जहां पर भाजपा जो है भ्रष्टाचार मिटाओ के वादे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के नेता, उन्हीं के प्रत्याशी जो है करोड़ों का कैश ले जाते हुए पकड़े जाते हैं। नमस्कार, मैं ऊर्जा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। जहां बीजेपी कह रही है कि 400 पार, वहीं अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो जनता जो है वो गुस्से में है और लगातार कह रही है कि इस बार भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ के लगातार नारे लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस बार जो है भाजपा का सुपड़ा साफ करके ही रहेंगे। जहां भाजपा कह रही है कि भ्रष्टाचारियों को अंदर करो और भ्रष्टाचार मिटाओ, वहीं भाजपा के प्रत्याशी, भाजपा के कार्यकर्ता ही 4 करोड़ ले जाते हुए पकड़े जाते हैं, करोड़ों का कैश ले जाते हुए पकड़े जाते हैं। वहीं भाजपा कह रही है कि हम लेन देन नहीं करते हैं कैश में, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो उन्हीं के नेता जो है पकड़े जाते हैं 4 करोड़ का कैश ले जाते हुए। वहीं एक और खबर आ रही है कि अमृतसर लोकसभा सीट के उम्मीदवार बीजेपी प्रत्याशी तरनजीत सिंह सिद्धू जो हैं वो गांव जाते हैं और वहीं गांव में किसान जो है उन्हें वहीं पे रोक देते हैं और अंदर तक नहीं आने देते हैं। ये देखिए, किसानों में जो है अभी भी आक्रोश देखने को मिल रहा है कि वह बीजेपी के प्रत्याशी, जो बीजेपी के नेता हैं, उनको अंदर ही नहीं आने देती है और काले झंडे दिखाती है, उनको वहीं से जो है भगा देती है और अंदर तक नहीं आने देती है। वहीं देखिए आप लोग किस तरीके से भाजपा जो है प्रचार प्रसार कर रही है, अपने जो लोकसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं गाजियाबाद से जो तस्वीरें आ रही हैं कि मोदी योगी के रोड शो में कोई जनता आई ही नहीं है, वो खाली उसमें अपना हाथ हिला रहे हैं, कोई जनता दिखाई तक नहीं दे रही है। वहीं एक और जो है खबर आ रही है कि उन्हीं के केंद्र मंत्रियों पर जूते चप्पल बरसाए जा रहे हैं। अलग अलग संसदीय क्षेत्रों से तस्वीरें आ रही हैं, अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आ रही हैं कि भाजपा जो प्रचार प्रसार करने में लगी, वहां जनता दिखाई ही नहीं दे रही है। जनता शायद अब समझ चुकी है कि तीसरी बार जो है भाजपा को नहीं जिताने, क्योंकि भाजपा ने जो है देश का कल्याण कर ही दिया है। जहां बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, वहीं दूसरी तरफ महिलाएं कह रही हैं कि आरक्षण दे के हमारे लिए क्या ही कर दिया, 5 किलो राशन दे रहे हैं। जहां मोदी कह रहे हैं कि हम अन्नदाता हैं, वहीं किसान जो है, किसान जो खेती करके अन्नदाता माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा कह रही है, मोदी कह रहे हैं कि हम अन्नदाता हैं क्योंकि हमने 5 किलो राशन दे दिया। वहीं जनता कह रही है कि 5 किलो राशन से क्या होता है, ये तो गरीबी बढ़ाने के स्तर पर आ जाता है कि राशन दे के क्या करा। राशन नहीं, हमें रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। 2 करोड़ रोजगार के वादे जो मोदी ने करे थे वो कहीं ना कहीं जुमलेबाजी नजर आ रही है, जुमला दे दिया है। इसी पे काफी लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि सड़कों पर, छतों पर, पेड़ों पर आदमी ही आदमी नजर आ रहे हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। आखिर मोदी जी और योगी जी का रोड शो है क्या, कहा आपने, आपको दिखाई नहीं दिए, आप पक्का देशद्रोही हैं, आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वहीं अमर उजाला लिखता है कि प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम दुष्यंत चौटाला को वोट दिया, लेकिन उन्होंने लोगों के साथ गद्दारी करते हुए भाजपा का साथ दिया। किसानों ने जचपा भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रही, ये लोग अलग अलग होने का नाटक कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन के समय मृत 750 किसानों के लिए कभी आवाज नहीं उठाई, आज किसानों की वोट मांगने कैसे आ जाएं। किसानों ने कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं, ये तब किसानों को यहाँ पर रोक लिया गया, तो दुष्यंत चौटाला सरकार में थे, उस समय किसानों का साथ क्यों नहीं दिया। जिस तरीके से किसानों ने तनजीत सिंह को गांव में घुसने नहीं दिया, वहीं रोक दिया गया, वहीं उसी पे उन्होंने बताया कि किस तरीके से पिछले किसान आंदोलन में 700 किसानों की मौत हुई है, उन्हीं को वो याद दिला रहे हैं। और जब किसान अपने हक के लिए सड़कों पर बैठते हैं तब कहां होती है भाजपा सरकार, तो गांव में घुसने ही नहीं दिया और साथ ही साथ काले झंडे दिखाए गए और उनको याद दिलाया गया कि किसान आंदोलन अभी भी जारी है। जिस तरीके से 700 किसानों की मौत हुई थी, वहीं जो किसान आंदोलन 2.0 है उसमें भी काफी किसान मारे गए, और जिस तरीके से हरियाणा में जो है एक दीवार पर लिखा गया था भाजपा सरकार को वोट दो, वहीं किसानों ने उस पर पेंट कर दिया, और तो देखिए किस तरीके से नाराजगी जो है जनता में दिखाई दे रही है। महिलाएं परेशान है, किसान परेशान है, जो युवा है वो परेशान है, बेरोजगार युवा जो है वो कह रहा है कि हाथ में डिग्री तो दे दी है मोदी जी, लेकिन नौकरी कब दोगे। वहीं जो है युवा जो है नौकरी मांग रहा है, किस तरीके से आपने देखा होगा कि युवा जो है बेरोजगारी की चरम सीमा पर है, और महंगाई अगर देखी जाए तो सिलेंडर के भाव जो है वो आसमान छू रहे हैं। 100 रुपए कम करके महिलाओं को जो तोहफा दिया था, महिलाएं उससे खुश नहीं नजर आ रही, क्योंकि वो कह रही है कि कांग्रेस की सरकार में जहां 400 का सिलेंडर मिलता था, वहीं भाजपा के सरकार में आज 900 का मिल रहा है। इस पे जन सत्ता लिखता है कि बीजेपी उम्मीदवार तरनजीत सिंह को किसानों ने दिखाए काले झंडे, रह चुके हैं अमेरिका में भारत के राजदूत।
चरणजीत संधू को दिखाए गए काले झंडे। अजनला में किसान मजदूर संघर्ष समिति से जुड़े किसानों ने भाजपा के खिलाफ नारे लगाए और गगो महल और कल्लो महल गांव में संधू के रोड शो को काले झंडे दिखाए गए। उस समय तरनजीत संधू के साथ भाजपा नेता अमरपाल सिंह बोनी और पार्टी कार्यकर्ता भी थे। इसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और कुछ किसान नेताओं को हिरासत में लेना पड़ा। उसके बाद इस पे फाइटर फॉर ह्यूमैनिटी लिखती कि तमिलनाडु के ताम्बरम रेलवे स्टेशन पर 4 करोड़ कैश बरामद, बीजेपी कार्यकर्ता सहित 3 लोग हिरासत में। बीजेपी भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं करना चाहती, उस पर एकाधिकार करना चाहती है। जिस तरीके से हमने शुरुआत में आपको बताया था कि भाजपा के कार्यकर्ता जो है 4 करोड़ कैश लेते हुए पकड़े गए हैं, वहीं इसका सबूत है कि लोग इस पर लिख रहे हैं कि भाजपा जो है भ्रष्टाचार खत्म करने के उसमें है, भ्रष्टाचार खत्म करने के वादे करती है लेकिन खुद ही भ्रष्टाचारियों के साथ और खुद ही भ्रष्टाचार फैला रही है। उसके बाद साथ ही साथ जो है ये चुनावी माहौल में एक और चीज जो है एक्सपर्ट ट्रेंड कर रही है कि नो वोट फॉर बीजेपी जो है वो ट्रेंड कर रहा है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अब जनता जो है वो जाग चुकी है और साथ ही साथ ये कह रही है कि अब जो है बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि जो हमारे साथ 10 साल में जितने जुमले करे हैं बीजेपी ने, अब तीसरी बार जो है बीजेपी को नहीं लाना है, क्योंकि बीजेपी जो है 400 पार के नारे उसने पहले ही चुनाव से पहले ही कैसे दे दिए। इस पे जो जनता जो है सवाल खड़ा कर रही है और नो वोट फॉर बीजेपी जो है ट्रेंड कर रही है, क्योंकि जितनी जनता जो है अब जाग चुकी है और समझ गई है कि इस बार जो है बदलाव जरूरी है। अगर बदलाव नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं विकास तो नहीं होगा लेकिन जो देश जो है वो डूब जरूर जाएगा। उस पे एक और जो है वो शख्स लिखते हैं कि मोहम्मद साहिब तुर्क लिखते हैं एग्री, नो वोट टू मोदी, नो वोट फॉर बीजेपी, नो वोट फॉर बीजेपी मणिपुर इलेक्शन 2024। जो व्यक्ति देश का एक राज्य जला सकता है वह आपका घर भी जला सकता है मणिपुर। सीधे तौर पर जनता जो है वो टारगेट करके बोल रही है कि जो एक व्यक्ति मणिपुर जला सकता है वह आपका घर भी जला सकता है। तो इस पूरी वीडियो को आपने देखा, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।